मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं ऐसा वाक्या सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, ये वाक्या सच्चा है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक दफा एक लड़की वजू करके कुरान पाक पढ़ने के लिए जा रही थी और उसकी बहन ने उसे आवाज दी और कहा, टीवी पर प्रोग्राम चल रहा है और आके देख लो। वो कुरान पाक छोड़कर चली गई। टीवी पर जब प्रोग्राम खत्म हुआ, बगैर वजू के वो कुरान पाक पढ़ने के लिए चली गई। लड़की कुरान पाक के पास आई और वहां ही गिर के मर गई और उसे कफन पहनाया गया। उसके जनाजे को उठाने की बहुत कोशिश की गई। उसकी बहन ने सब वाक्या बताया जो जो उसके साथ हुआ था। वो टीवी पर प्रोग्राम देखने गई थी, जब आई कुरान पाक मर गई। मौलवी ने कहा, टीवी को भी इस लड़की के साथ ही रख दिया जाए। जब टीवी को लड़की के जनाजे के पास रखा गया तो फिर जनाजा उठाया गया। लड़की का जनाजा पढ़ा कर उसे कब्रिस्तान में ले आया गया और कब्र खोदी। जब कब्र खोदी गई तो उस लड़की को कब्रिस्तान में टीवी के साथ ही दफना दिया गया। दूसरे दिन उसकी कब्रिस्तान फट गई और मौलवी ने कहा, इसके साथ ऐसा ही होना था, इसलिए कि उसने टीवी पर प्रोग्राम देखा और बावजूद कुरान पाक पढ़ने गई। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब।